हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी अभी कुछ दिनों से आपस सर्किट में चल रहा है। एंड जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन डेफिनेटली आपको वीडियो मिल गई होगी। अगर आपने सच में वीडियो देखी तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा आज आपस सर्किट देखने को मिला है। एंड एक डिप गई थी 55 की एंड अबव, क्योंकि जो भी 60 वाले शेयर हैं वो तभी हमारे एग्जीक्यूट होंगे जो कि 55 पे एक डिप जाएगी तब जाके। एंड देख सकते हैं लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग बिना रुके नॉन स्टॉप एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है, जो कि आप देख सकते हैं 50% का यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं 24 तारीख से लेकर लगातार ये अपर सर्किट में है। एंड बात करते हैं अब इसका भी, ये देख सकते हैं इसका AMO ऑर्डर का, तो अभी भी इसमें 1,17,25,843 का हमारा AMO ऑर्डर लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कल यानी ट्यूसडे को भी इसमें अपर सर्किट लगने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त, ये अभी रुकने वाला शेयर है नहीं, अभी ये बूम बूम करेगा। मैं इसको आपको टारगेटेड दिखा देती हूँ, उससे पहले देख सकते हैं BSE के वेबसाइट पे इसमें जो डिलीवरी ली गई है 100% की डिलीवरी ली गई है। 1,00,339 का यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी है और पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारी डिलीवरी बेस है, AMO मतलब कि इंट्राडे रेगुलर बेस नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% की डिलीवरी ली गई है। एंड बात करते हैं, आप देख सकते हैं 55 पे ओपन हुआ है, उसी का ही हमारा लो लगा है और 60 पे गया है। एंड बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, तो अपॉर्चुनिटी इज की फॉर पॉजिटिव ब्रेकआउट, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। 7 इसकी स्ट्रेंथ है, 5 इसकी वीकनेसेस, ऑल दो ये कंपनी हमारे लिए पॉजिटिव है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो अपॉर्चुनिटी हमारा 4 है, जो कि पॉजिटिव ब्रेकआउट सेकंड रेजिस्टेंस में इसने पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दिया है। एंड हम डिस्कस करेंगे अब वन डे के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, जितना भी डॉट, इस डॉट का मतलब होता है अपर सर्किट और ये हमारा है लोअर सर्किट, ये अपर सर्किट राइट। एंड मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ, हमारा जो इसका फर्स्ट टारगेट है, मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 70, इसको मैं साइड कर देती हूँ, फर्स्ट टारगेट हमारा 70 रहेगा। ये आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसका हमारा इजिली 70.70 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है बिना किसी ब्रेक के। एंड जिस बंदे ने यहाँ पे लिया होगा 35 पे, क्योंकि यहाँ से तो लगना स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर बंदों ने लिया होगा, बट यहाँ पे ले लिया होगा, बहुत सारे बंदों ने लिया होगा, यहाँ पे ट्रेडर्स ने लिया होगा। एंड उसको यहाँ से लेके 35 से 70, आप समझते सीधा डबल है यार। अब क्या चीज़, स्विंग ट्रेडिंग में कोई डबल की एक्सपेक्ट नहीं करता, स्विंग ट्रेडिंग में या तो हमें 10% 25 मैक्सिमम 25% मिल जाए, इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बाकी इसमें तो 100 मिल रहा है, अब क्या चाहिए। बट ये शेयर अभी तक रुकने वाला नहीं है, वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है, देख सकते हैं 90 है, हम एवरेज लेके चलते हैं 85 इसका सेकेंड टारगेट हमारे लिए रह सकता है। फर्स्ट टारगेट है 70.70 और 0.85 हमारा सेकेंड टारगेट रह सकता है, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी अभी जिस तरीके से ये कॉन्स्टेंट अपर सर्किट में लग रहा है, जैसे देख सकते हैं आप अपर सर्किट कॉन्स्टेंट लगा था ज़बरदस्त, कितने से 20 पैसे से लेकर 90 पैसे तक गया था, और अगेन यहाँ पे 25 पैसे से लेकर मे बी अगेन हमारा अपर सर्किट अगेन यहाँ पे अच्छा खासी देखने का वो मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकेंड टारगेट इज दिस। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में पहला सा बेल आइकन दिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दो, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना नहीं होनी चाहिए। इस चैनल पे फालतू वीडियोस नहीं आती, वही वीडियोस आती है, वही स्टॉक्स मैं आपको बताती हूँ जिसमें प्रॉफिट होने की कैपेसिटी हो, वो स्टॉक्स जो कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जिनमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है मतलब अपर सर्किट लगने की या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा करने की, वही मैं आपको स्टॉक्स बताती हूँ। जो स्टॉक साइडवेज में रहते हैं, मोस्टली डाउन रहते हैं, वो स्टॉक्स मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि इस पर कम से कम 4,000 स्टॉक लिस्टेड है और सभी के सभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते, उसमें से 1% स्टॉक ही ऐसा होता है जो हमारे लिए या तो अपर सर्किट लगने वाला स्टॉक हो
या फिर जैसे आपका सेकंड लोअर सेकंड लगने वाला हो तो अपर सेकंड में हम ले तो हमारे प्रॉफिटेबल या लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। 1% ऐसे शेयर होते हैं जो कि सच में प्रॉफिटेबल होते हैं अगर हम उनको रिकरिंग लगातार उसी में बाय एंड सेल करें तो वो 1% आपको स्टॉक्स इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय प्रॉफिट्स। बाय बाय।